भाइयों बहनों, मेरे लिए वो पल अविस्मरणीय है जब आजाद हिंद फौज सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला था। नेताजी और आजाद हिंद फौज का योगदान भावी पीढ़ी तक पहुंचे, इसके लिए अब लाल किले में ही नेताजी सुभाष बाबू की यादों को समाहित किया हुआ एक क्रांति मंदिर का भी निर्माण किया गया। मैं बंगाल के हर स्कूल कॉलेज से आग्रह करूंगा कि आप अपने स्कूल कॉलेज से टूर ले जाते हैं, दिल्ली जब जाएं तो नेताजी सुभाष बाबू के पराक्रम गाथा वाला एक क्रांति मंदिर जरूर देखिए। नेताजी के नाम से हमने एक राष्ट्रीय पुरस्कार का ऐलान किया और अभी मैं अंडमान निकोबार गया था, वहां के एक द्वीप का नामकरण भी हमारी सौभाग्य को मिला है और हमने नेताजी का नाम उसके साथ जोड़ दिया है। साथियों, नेताजी के साथ साथ आजाद हिंद फौज के दूसरे नायकों को भी हमारी सरकार ने सम्मान दिया। इसी वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड हुई तो ऐसे महान व्यक्तित्व भी उसमें शामिल हुए जिनको जीप में बिठाकर उनको देख करके देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आजादी के बाद इतिहास में पहली बार आजाद हिंद फौज के सेनानी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बने। हम सभी का सौभाग्य था कि उम्र के इस पड़ाव में भी ये सभी महापुरुष हमें आशीर्वाद देने आए। साथियों, इससे पहले भी दशकों तक मान लिया भैया, मान लिया, साथियों इससे पहले भी दशकों तक हर साल गणतंत्र दिवस मनाया गया, परेड होती रही, लेकिन आजाद हिंद फौज के उन वीरों को याद करने की सूझ किसी ने नहीं ली। क्या इन लोगों ने अंग्रेजों की गोलियां नहीं खाई थी? क्या इन्होंने अत्याचार नहीं सहे थे, जेल नहीं गए थे? लेकिन परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वालों ने इनके त्याग, इनके बलिदान को भुला दिया। आज यही दल हमारे सपूतों के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं। जब हमारे वीर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, तो ये पाकिस्तान की बातों पे भरोसा करते हैं। जब हमारे वीर आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं, तो इतने सबूत होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसे चश्मे पहने हैं, इनको सबूत दिखाई नहीं देते हैं। जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंक के सरपरस्तों की झूठी खबरों को यहां बढ़ावा देते हैं, उन पर देश भरोसा कर सकता है क्या? भरोसा कर सकता है क्या? जो जम्मू कश्मीर में
कहते हो कि उनका बंदूक उठाना गलत नहीं है, उन पर देश भरोसा कर सकता है क्या? कभी भी भरोसा कर सकता है क्या? ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है क्या? जो लोग ये मानते हो कि फौज में लोग दो वक्त की रोटी की मजबूरी में भर्ती होते हैं, जो लोग हमारे वीरों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, उन पर देश भरोसा कर सकता है क्या? कभी भी भरोसा कर सकता है क्या? निंद में भी भरोसा कर सकता है क्या? मुसीबत में भी भरोसा कर सकता है क्या? भाइयों और बहनों, पाकिस्तान का गुणगान करने वाली इस मंडली की एक सदस्य ये बंगाल की ममता दीदी भी है। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रही थी तो ये मंडली और ये दीदी मोदी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही थी।